हेलो स्टूडेंट, मैं अम सांसा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्टी क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पहले के वीडियो में क्लास टेंथ की हिंदी वर्णिका के चार चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख लिया था, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्णिका का जो आखिरी चैप्टर है, पाँचवा चैप्टर, धरती कब तक घूमेगी। तो इस कहानी के जो शीर्षक हैं वो धरती कब तक घूमेगी, इसके जो लेखक है उनका नाम है सावर दैया। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। उन सबसे पहले आप सभी से एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ हमारा बेल आइकन दबाएँ और वीडियो को देखते समय एक अपना लाइक अगर पसंद आए वीडियो तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहा है, धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका आंसर होगा सावर दैया। उसके बाद राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था। तो कहानी में जो राधा और सीता जो कैरेक्टर है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था। तो दाल का हलवा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सीता अपने को क्या मानती है। तो वो अपने को भिखारिन मानती है। तीन बेटे की माँ है। तो तीन बेटे की माँ कहानी में कौन है, सीता। पांचवा क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो इसका भी आंसर हो गया सांवर दैया। छठा क्वेश्चन है हमारा, राशि सीता राशि क्यों हो गई। तो अपना काला ओढ़ना देखकर, यहाँ पे रुआंसी होगा, मतलब कि उस रुआंसी का मतलब रोने के मन जैसा, यहाँ पे राशि लिखा चला गया है। तो सीता रुआंसी क्यों हो गई, इसका आंसर होगा आपका अपना काला ओढ़ना देखकर। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, सांवर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो वे राजस्थानी भाषा के सफल कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बन रहा है, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया। तो सुबह में इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नवा क्वेश्चन है, तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ, किस कहानी की पंक्तियाँ हैं। कहानी में इस लाइन का मतलब कि लिखा गया है कि तीन बेटे दो वक्त की रोटी और एक माँ, तो ये जो कहानी की पंक्ति है ये किस कहानी की पंक्ति है। तो ये है धरती कब तक घूमेगी, उसी की पंक्ति। अब आगे चलते हैं, दसवां क्वेश्चन, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी। तो एक एक महीना वो अपने लड़कों के पास रहती थी। नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी, तो रस मलाई। बारहवां क्वेश्चन है, किसके भीतर आंसुओं का समुंदर उमड़ आया। तो सीता के भीतर आंसुओं का समुंदर उमड़ आया। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रतिमाह देने के लिए कहा, तो 50 रुपया। यह पूरी की पूरी कहानी जो है एक माँ और सामाजिक जीवन को, जीवन का एक रूप प्रस्तुत करने वाली कहानी है, जिसमें एक माँ अपने तीन बेटे को तो पाल लेती है लेकिन जब वो माँ बूढ़ी हो जाती है तो उसके तीन बेटे मिलकर एक माँ को, माँ का सही ढंग से देखभाल नहीं कर पाते हैं और वो तीनों बेटे निश्चित कर लेते हैं कि मेरे यहाँ तीन माह और तुम्हारे यहाँ तीन माह, इस तरह से माँ रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया। तो सीता के अनुसार ये धरती सिकुड़ गया। बीजू की पत्नी का नाम क्या था, बीजू की पत्नी का नाम पुष्पा था, जो सीता की बहू थी। नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो नारायण की पत्नी का नाम भंवरी था। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था, तो बिज्जू। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, राधा। 19वां क्वेश्चन, होली किस महीने में होता है, ये तो सभी को पता होगा, फाल्गुन। सीता के कितने लड़के थे, तो तीन। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो कैलाश। चलिए अब हम लोग 22वां नंबर अगर क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। तो 22वां नंबर भी क्वेश्चन है हमारे इसमें, तो 22वां नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो है हमारा, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। तो नारी को, इस कहानी में नारी को, नारी की प्रधानता दी गई है। 23वां नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की कहानी है। तो ये एक राजस्थान की कहानी है। अगला क्वेश्चन बन रहा है, 24वां, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो सीता है, जो एक माँ है और उसके तीन बेटे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन जो बन रहा है वो ये है कि सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई है। बात बात पर उसे मात्र दो रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। इससे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती है। उसे लगता है कि धरती आकाश सिमट कर बहुत छोटा हो गया है, इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। यानी इस पूरी कहानी में अगर देखा जाए तो जो सीता है उसके जो पति हैं वो पहले ही मर चुके हैं, और उसके जो तीन बेटे हैं और उनकी जो बहुएँ हैं वो उनके यातनाओं से वो बिल्कुल परेशान हो गई है। उनको ऐसा लगता है कि ये धरती आकाश सिमट कर बहुत छोटा सा हो गया है और इसमें मैं दबी जा रही हूँ, क्योंकि उसे बात बात पर रोटियों के साथ जो है बहुओं का तीखा तड़का जो मसालेदार जो बात होती है वो सुनने पड़ते हैं, ताने सुनने पड़ते हैं। इसलिए सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है, घुटन महसूस होता है। अगला आगे बढ़ते हैं। पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के आने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारण पर विचार करें। देखिए यहाँ पे यह है कि सीता जो है जब तीन तीन महीने अपने बेटे के यहाँ रहा करती थी, तो एक बेटे के यहाँ जब समय पूर्ण हो जाता था तो उस बेटे के घर को छोड़कर जब दूसरे बेटे के यहाँ जाती थी तो उसके जो पोते पोतियाँ थे वो बहुत खुश होते थे कि मेरी दादी आने वाली है, अब हमारे यहाँ रहेगी, हमारे साथ खाएगी, हम उनके साथ खेलेंगे। लेकिन सीता के जो बेटे और बहू जो थी वो नाखुश होते थे। तो इसका कारण अभी हमें बताना है और उस पर विचार करना है। तो देखिए, बच्चों के हृदय में अपने दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाओगी, हम साथ साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का शागिर्द और प्यार आनंददायक था, अतः वे खुश होते थे। पर उनके बेटे या उसके बेटे एवं बहू अपनी माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वो नाखुश होते थे। तो एक सीधी सी बात है, प्रत्येक पोते पोतियों को उनको अपने दादी, चाहे दादा हो या दादी, उनसे प्यार होता है। इस कारण से जो है सीता जब जिस बेटे के यहाँ जाने वाली होती थी तो उनका पोता पोती जो है अपनी दादी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे, लेकिन उनके बेटे, उसके जो बेटे थे और बहू थे वो तो बहुत समझते थे, इसलिए वो नाखुश हो जाते थे। अगला क्वेश्चन बन रहा है हमारा, सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। तो प्रति माह 50-50 रुपए देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी और रोटी खा लूँगी। यही सोचकर वह घुटन में घर से निकल पड़ी। चूँकि ऐसा हुआ कि अंत में उनके बेटे ने कहा कि अब हमारे यहाँ आने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम सब आपको हर महीने 50 रुपये करके दे देंगे और उसी से अपना जीवन काट लीजिएगा। लेकिन सीता को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इसके 50 रुपये से होगा क्या, आखिर तब भी मुझे मजदूरी करनी ही पड़ेगी अपने जीवन को काटने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। तो इससे बेहतर है कि घर से निकल पड़ते हैं और कहीं जाकर मजदूरी करेंगे और अपना एक पेट खुदा से भेंट, ये कहावत भी है, और जाकर जो है कहीं भी मजदूरी करके खा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है। तो बच्चों का खेल माई माई रोटी दे, भिखारिन आती है और कहती है माई माई रोटी दे। अंदर से उत्तर मिलता है, यह घर छोड़, दूसरे घर जा। सीता भी अपने को उस भिखारिन जैसी मानती है। इसे भी महीने पूरे होते ही वही आदेश सुनाई देता है। यानी ये सीता अपने आप को एक भिखारन से तुलना करती है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में भिखारी बनती हैं और बोलते हैं एक एक घर जाकर कि माई माई रोटी दे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी वैसा ही लगता है कि समय पूर्ण के उपरांत जो हम मेरे बेटे हैं वो बोलते हैं कि इस घर को छोड़ो, अब अगले घर जाओ, ठीक है ना। तो वो सोचती है कि एक रोटी के लिए इतना कुछ सहना पड़ रहा है मुझे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीता का चरित्र चित्रण करें। तो सीता तीन बेटे, तीन बहू एवं कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत है, जिसे केवल दो रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती है। अकेली बूढ़ी माँ तीन बेटे पर भारी पड़ जाती है। इसके बेटे माँ के रोटी को लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में एक दिन सीता घर छोड़कर चली जाती है। तो ये था कहानी में सीता का चरित्र चित्रण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और भी है, देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन को हाईलाइट नहीं किया गया है, ये भी ब्लू कलर से ही लिखा चला गया है, कोई बात नहीं, चलते हैं। अगला आखिरी क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी, कहानी का सारांश लिखें। तो कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है, ये एक घटना पर आधारित है। सीता अपने बेटे और उसके बहुओं की यातनाओं से परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता है, यानी कि सीता के बेटे और उनकी बेटियों के बेटे और बहुओं की जो यातनाएं होती है उससे वो परेशान हो जाती है और उसको वही पुराना दिन याद आ जाता है।
वह आकाश की ओर नज़रें उठाकर देखती है और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस करती है कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। यानी उसे ऐसा लगता है कि जो मेरा जीवन है वो इस पृथ्वी और आकाश के बीच मतलब कि सिमट गया है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। उसे लगता है कि पूरी पृथ्वी पर ही घुटन भरा हुआ है। दो रोटियां ही सब कुछ नहीं है, इनके अलावा भी तो कुछ है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी पता नहीं। इस प्रकार यह शीर्षक की सार्थकता है। तो चलिए, ये जो हमारा आखिरी जो कहानी था वर्णिका बुक से, जिससे कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहते हैं दो नंबर वाले क्वेश्चन में। तो आप हमारे इस चैनल से मतलब कि पांचों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख चुके हैं। अब हम लोग आगे जो आपका गोधुली है उस पर वीडियो लेकर आने का प्रयास करेंगे। उसके बाद गोधुली की वीडियो कुछ दिनों में आ जाएंगे, लेकिन उसकी इस वीडियो के बाद आपको जो वीडियो मिलने वाला है वो आपके संस्कृत के क्या बोलते हैं सब्जेक्ट जो संस्कृत है आपका, उससे आपको वीडियो मिलेंगे। इसी तरह से सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बारी बारी से आपको मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।